हमने अभी ले लिए एग बिरयानी और वेज बिरयानी, या दोनों ले लिए, पैक करा लिए सामने शॉप से। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बैंगलोर स्टेशन पे पहुंच गए हम। रेलवे स्टेशन के पास ही हमने रूम बुक किया है, आई मीन बिल्कुल नियर बाय है, और इसका नाम है ओम शक्ति पैराडाइज। अब जा रहे हैं केम्पेगौड़ा, तो हमारा मेरा रूम जो है वहीं पे है केम्पेगौड़ा पे, तो केम्पेगौड़ा पहुँचता हूँ और फिर प्लान करते हैं। कल का प्लान मैसूर है, लेट्स सी कैसे एग्जीक्यूट होता है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज सुबह सुबह अभी हम निकले हैं मैसूर के लिए। मैसूर के लिए कल प्लान तो वैसे बस से था, बट बस किसी वजह से बुक नहीं हो पाई और हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो अब हम खुद से जा रहे हैं मैसूर। तो अभी हमने सुबह की हमारी 7 बजे की ट्रेन है और 6 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो 6 बज चुके हैं। बस अभी चलता हूँ मैं और पहुँचता हूँ स्टेशन पे, नियर KSR स्टेशन पे, और फिर वहाँ से चलते हैं मैसूर। तो वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, तो वॉकिंग डिस्टेंस करके फटाफट मैं पहुँचता हूँ रेलवे स्टेशन पे। ये सामने मेट्रो स्टेशन है और इस साइड पे रेलवे स्टेशन है। रूम से मेरे वॉकिंग डिस्टेंस था, तो वॉक करके जा रहा हूँ मैं। सुबह सुबह एक वॉक भी होगी है और घूमना भी हो गया। तो स्टेशन पहुँच गए 5 मिनट की वॉक में और काफ़ी चमक धमक है स्टेशन पे। देखिए रेस्टोरेंट भी सारे खुल गए हैं, ओपन है। तो अभी सोच रहा हूँ चाय पी लेता हूँ, और मेरी ट्रेन तो 7:15 की है, तो अभी तो सिर्फ 6 बजे, 6:05 हुए। तो अभी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है और वहाँ से मेरी ट्रेन है मैसूर एक्सप्रेस। तो अभी अराउंड टाइम जो हो गया है वो हो गया है 7 बज गए हैं और 7:15 पे ट्रेन है। अभी एक तो ट्रेन आई है, एक तो लिखा भी सब कन्नड़ में, तेलुगु में, पता नहीं क्या था। तो फिर मैंने थोड़ा आगे जाके देखा, मैसूर की कंटिन्यूस आ रही है, ये टोटीकरण टू मैसूर है, बट मेरी जो है वो मैसूर एक्सप्रेस है 16235। तो देखते हैं अभी 7:15 का टाइमिंग कितने बजे आती है। आप देखो सबकी जो वाटर टैंक है वो सारे पीले हैं। ये कुछ तो जगह आई है और इसके सारे जो छपकी छत के जो वाटर टैंक है बहुत पीले भी रहे। और ये जगह जो है आई थिंक इसका नाम है रामनगरम। टाइप का एक स्टेशन है।
साउथ इंडियन बोलते हैं ऐसे वॉक करते हुए आते ना अब छोड़ो छोड़ो जल्दी कूदते हुए हाँ ऐसे तो मैसूर पहुंच चुके हैं और अभी आया है पल्ला हली तो उसके बाद नगना हली और फिर देन मैसूर जंक्शन आई गेस कुछ ऐसे ही है तो और बस तो ऑलमोस्ट 11 बजे तक पहुंच जाएंगे 15 मिनट शायद अभी बचे ऑलमोस्ट 11 बजे तक पहुंच जाएंगे और फिर वहां उतर के देखते हैं कि क्या करते हैं कैब मिलती है या फिर खुद से ही सारा देखते हैं तो सबसे पहले प्लान तो किया है कि टेंपल जो है श्री क्या नाम है टेंपल का नाम बोल गया मैं तो वही चलते हैं उस पर फटाफट और वहीं पे नाश्ता भी कर लेंगे ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे उसके बाद फिर देखते हैं टीपू सुल्तान फोर्ट और महाराजा पैलेस और चामुंडा हिल्स जरूर जाएंगे। चलो तो फाइनली पहुंच गए मैसूर जंक्शन और अब बाहर निकलते हैं फटाफट तो यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर तो फटाफट से बाहर निकलते हैं और स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो सामने की तरफ जू है बट अभी हम जू का तो प्लान नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार देखा है तो वैसे ही उस तरफ जू है सामने की तरफ और मैं अभी जू तो देख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत बार पहले भी देखा हुआ तो और एक्स्ट्रा उसके अमाउंट चार्जेस हैं कुछ तो वो सब तो आई थॉट कि अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं देन उसके बाद देखते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू लाइक इट एंड एन्जॉय इट और जनाब वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आप दे ही देंगे।